ऐसे योद्धा थे कि अपने आप को पूरी तरीके से देश के लिए न्यौछावर किए हैं। सभी राजाएं झुक गए थे, लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे कि अकबर के आएगा ही झुके नहीं और लास्ट दम तक लड़ते रहे। तो इनसे हमारे बिना बराबर किनारे किनारे देखिए, यहाँ पे बैठने के लिए बनाया गया, उधर बैठने के लिए बनाया गया है, और ये सीमेंट से लग रहा है हमको, छड़ और सीमेंट से बनाया गया है और उसके ऊपर जो है कि कलर कर दिया गया है। तो बहुत ही बढ़िया इसका स्ट्रक्चर है। और थोड़ा सा अगर इसका इंटीरियर पार्ट जो अंदर साइड में है, अगर थोड़ा सा उसको अच्छा कर दिया जाए तो एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, और यहाँ पे जब भी कोई इधर से पास आउट करेगा तो इसको देखते हुए जाएगा। बोल रहा हूँ तो कमेंट कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए इसके अंदर कुछ लोग रहते भी हैं, इसके अंदर कुछ लोग रहते भी हैं, और जो लोग रहते हैं वहाँ पे एसी वेसी सब लगवाए हुए हैं। एडविंस किसी का ये प्लॉट है, किसी का ये ज़मीन है। चला दी भैया, ये भी देख लीजिए कब बना हुआ है। अगर देखना है, डिटेल जाना है किसके द्वारा कब बनाया गया है, तो सब ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और नीचे नीचे का पैर ये घोड़ा चेतक का ख़राब हो रहा है। अच्छा, कुछ नज़ारा ये है। अगर इसको थोड़ा सा पार्क या फिर कुछ इस प्रकार सा बनाया जाता कि लोग यहाँ पे घूम पाते तो बड़ा ही अच्छा होता। ये पूरा एकदम बहुत सारा एकदम सही किताबों में पढ़े हैं, लगभग 7 फुट कुछ इंच के महाराणा प्रताप हुआ करते थे, और उनकी जो तलवार हुआ करती थी बहुत ही खतरनाक हुआ करती थी। महाराणा प्रताप है और इनके बारे में कुछ यहाँ लिखा हुआ है। राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप एवं चेतक की मूर्ति का अनावरण 9 मई 2010 को हुआ था, श्री कुंवर जय सिंह राणा बाबा। थोड़ा दूर से आपको प्रतिमा दिखाता हूँ महाराणा प्रताप की, और गजब की लग रही है मूर्ति। जब मैं इधर से जाता हूँ, पास आउट करता हूँ इधर से, इसके आगे मतलब 2 किलोमीटर दूर पे मेरा कॉलेज है, तो यहाँ रुकने का हमेशा मन था और आज रुक ही गया। लेकिन थोड़ा सा इसका जो ये पहले का बनाया गया है, इसकी देख रेख नहीं हो रही है, जिसकी वजह से पूरा ये गंदा और डस्ट हो चुका है। और इतनी बड़ी प्रतिमा है महाराणा प्रताप जी की, तो जिसको जो इसको बनवाया है थोड़ा इस पर ध्यान दे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा और एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। थोड़ा अंदर कुछ और भी डेकोरेट सा बना दिया जाए बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा।